बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो है, मैं बना रही हूँ मुर्ग चने। उसके लिए मैंने ली है मुर्गी आधा किलो, दो मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और उनको बीच में काट लिया, दो खाने की चम्मच अदरक लहसुन लिया है मैंने कुटा हुआ, और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, काफ़ी बड़ा था, और मैंने मसाले में तेज़पात लिया है, दालचीनी, एक मोटी इलायची, जीरा और दो लौंग, और एक खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पीसी ली, एक टीस्पून हल्दी ली है, आधी टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है, आधी टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, एक खाने का चम्मच मैंने जीरा, धनिया और काली मिर्च कुटी हुई ली है। और अभी मैं बनाना करूँगी स्टार्ट। तो एक मैंने कढ़ाई रखी है, तो ऑयल मैंने सूखी ऑयल लिया है, कुकर में मैंने चने चढ़ा दिए थे पहले ही, रात को मैंने भिगो के रखे थे, तो अभी मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है कि चने मेरे गल गए, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, नमक डाल के तो मैंने उबलने के लिए चने कुकर में चढ़ा दिए थे, बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं चने। कुकर बंद कर दिया है, तो मैं पानी इसका गाया कर दूँगी चनों का, तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी गर्म मसाले, तो इनको मैं खड़काऊँगी थोड़ा सा, इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी जो मैंने बीच बीच काटा था, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो प्याज अगर ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड कर लें, टमाटर भी ग्राइंड कर लें, मैंने ग्राइंड नहीं किए, तो मैं जब भी बनाऊँगा मैं ऐसे ही कर दूँगी प्याज को, छोटा छोटा काट लेती हूँ, तो इसको मैं करूँगी हल्का हल्का ब्राउन, ज़्यादा मैंने ब्राउन भी नहीं करना, और जब ये ब्राउन होने पे आएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी टमाटर, इसको बिल्कुल भी हमने गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का भी नहीं करना। अब मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर, के अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, और सारी चीज़ें मैं एक ही दफ़ा डाल दूँगी, चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये देखें सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए, तो मुर्ग चने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, तो मैं अक्सर इस बार की रात को बनाती रहती हूँ, तो नाश्ते में देते हैं, तो ये देखें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, दो खाने के जो चम्मच है ना मैंने लकड़ी में कूटा हुआ था लहसुन अदरक शामिल कर दिया है, तो नमक में लहसुन अदरक के अंदर ना डाल के तो पीसती हूँ, जब भी पीसते हैं तो नमक मैंने चनों में भी शामिल किया था, इसलिए मैंने नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक मेरा बराबर हो जाएगा, और अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर बिल्कुल भी चने खाए नहीं जाते, तो जो थोड़ा सा बच गया था वो भी मैंने डाल दिया, साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया, तो इन सारी चीज़ों की करूँगी मैं बुनाई अच्छे तरीके से, तो टमाटर भी डाल जाएँ और चिकन भी डाल जाए अच्छे तरीके से, चिकन का पानी वगैरह खुश होकर हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो उसके बाद मैं फिर चने ऐड करूँगी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेसिपी होने वाली है मेरी मुर्ग चने की, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, मेरा तरीका कैसे लगा। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, ग्रेवी बड़ी अच्छे तरीके से मसाला बन चुका है, तो चिकन भी गल गया, अब मैं गले हुए चने ऐड करूँगी, ये देखें चने मेरे बिल्कुल गले हुए हैं, तो मैं अक्सर ना चने रात को भिगो के रख लेती हूँ, जब भी मैं खाने हो, तो आज की मेरी रेसिपी है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, चने मुर्ग चने, तो बड़े मज़े से मेरे बच्चे भी चारों के साथ भी खा लेते हैं, मैं भी साथ भी खा लेते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं मुर्ग चने। तो ये देखें इनको थोड़ी सी मैं करूँगी बुनाई, फिर उसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने ज़्यादा शोरबा रखना है या कम रखना है, तो अब मैं दो चार मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखूँगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई करूँगी, फिर उसके बाद पानी डालूँगी, ये देखिए बुनाई मैंने काट दी थी, तो दो गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि अच्छे तरीके से ना इनका जो टेस्ट है ना तो यकदम हो जाए चने का और चिकन का, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी बुक आई है, और ऑयल वगैरह सेपरेट हो चुका है, तो मैंने माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, और आपकी मेरी रेसिपी है जो आपने शेयर कर
माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आई है।